विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और राजनीतिक दल जहां सजग हैं, वहीं जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। आज इसी के कड़ी में जदयू जिला कार्यालय सुपौल में जदयू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ व ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति जिला शाखा सुपौल की संयुक्त बैठक जिलाध्यक्ष डॉक्टर अभिनंदन यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्रीनिवास सिंह भाग लिए। श्रीनिवास ने कहा, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण हर कार्य प्रभावित हुआ है। प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी इससे अछूता नहीं रहे। सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ने की बात थी, कोरोना के कारण प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में हम सब नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, साथ ही जिले में जदयू का भारी मतों से जीत दर्ज करवाएंगे। बैठक का क्या उद्देश्य था सर? ये जदयू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ एवं ग्रामीण चिकित्सा सेवा समिति की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। मार्च से हम लोगों की कोई बैठक नहीं हुई थी जिला स्तरीय, इस कोरोना महाकाल में जो है सो बाधित हो गया था और आगे विधानसभा चुनाव है, इसलिए हम लोगों के गार्जियन जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर एलवी सर के दिशा निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव में हम अपने सभी चिकित्सक साथियों को सजग करके और तन मन धन से इस लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के हाथों को